हाय एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों से अपनी बहुत पुरानी एक हैंडमेड कॉमिक बुक शेयर करने वाली हूँ शिनचैन की। तो शिनचैन की मम्मी खाना बना रही होती है, वो बुलाती है शिनचैन शिनचैन शिनचैन। दूसरे कमरे से बोलते हैं, मैं अभी बिजी हूँ मॉम। मगर तुम कर क्या रहे हो? चॉको चिप्स खाते हुए एक्शन का मैं देखने का तो मज़ा ही कुछ और है। अच्छा तो तुम बिजी हो, जल्दी से बाज़ार जाओ और 1 किलो आलू ले आओ। ये रहा बैग, इसमें पैसे हैं, समझे? ओके ओके मॉम। शिनचैन आलू खरीदने के लिए जाता है। कितने मज़े से चॉको चिप्स खा रहा था और अब मॉम का काम करना पड़ रहा है। क्या किस्मत है मेरी। तभी शिनचैन को रास्ते में मसाओ दिख जाता है। यो मसाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो पार्क जा रहा था, तुम भी चलो खेलते हैं। और फिर शिनचैन आलू खरीदने की बात भूलकर मसाओ के साथ चल पड़ता है। और पार्क में देखो कजामा, शिनचैन और मसाओ यही आ रहे हैं। हाँ वो चलो दोस्तों मिलकर फुटबॉल खेलते हैं। हाँ चलो ना। सभी दोस्त मिलकर खेलने लगते हैं। अच्छा हुआ नैनी यहाँ नहीं है, वरना हमें उसके पसंद का गेम खेलना पड़ता। हाँ सही कहा तुमने। वो शिनचैन सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो उसके दोस्त लोग बुलाते, शिनचैन बॉल। और यहाँ मित्सी बोलती है, कहाँ रह गया ये लड़का, लगता है पोटैटो सूप बनाने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। और फिर बहुत टाइम खेलने के बाद, अच्छा दोस्तों मैं चलता हूँ, मुझे ट्यूशन भी तो जाना है। बहुत वक्त हो गया है, हमें भी अपने अपने घर जाना चाहिए। ठीक है ओके बाय, कल मिलते हैं। शिनचैन पक्का खेलने लग गया होगा, ये लड़का सुधरने वाला नहीं है। वेलकम बैक मॉम। शिनचैन ज़रा इधर तो आना। याद आया आलू लाने थे। एक ही तो काम दिया था तुम्हें, वो भी नहीं कर पाए। मॉम यहाँ इंतज़ार कर रही है और तुम खेलने लग गए। मॉम मैं भूल गया था। ओ नो, लगता है हमारे शोर से हिमावारी उठ गई है। अरे अरे आप कितना शोर मचाती हैं मॉम, आपने तो हिमावारी को भी जगा दिया। आवाज़ मत करना, हिमावारी बड़ी मुश्किल से सोई है। पर मॉम लंच का टाइम हो गया है। अच्छा तो चलो। शिनचैन आज मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल शिमला मिर्च का सूप बनाया है। क्या मॉम, आपको तो पता है मैं शिमला मिर्च नहीं खाता, मुझे नहीं पीना ये सूप। लेकिन गलती तो तुम्हारी है, मैं तो पोटैटो सूप बनाने वाली थी। चुपचाप खाना खाओ समझे। अगर मैं खेलने ना गया होता तो मैं आलू खरीदना नहीं भूलता और मेरे लिए ही अच्छा होता, अब मुझे ही पछताना पड़ रहा है। और फिर शिनचैन के घर से आवाज़ आती, शिमला मिर्च। तो ये कॉमिक बुक यहीं पर ख़त्म हो रही है। ये बहुत पहले की पुरानी कॉमिक बुक है, इसलिए इसकी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है और स्टोरी भी ठीक ठाक ही है। और मैंने एक पॉपअप स्टोरी बुक भी बनाई थी पहले, तो अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट पर बता देना। बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये कॉमिक बुक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाय।